हाँ जी क्लास, अभी हम यही बात कर रहे थे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वीडियो डिसकनेक्ट हो गई थी। हम वही अपनी स्टेटमेंट को एक बार अच्छे से दोबारा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे। देखो, देश में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं आरबीआई, मतलब उसको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। लेकिन हमें सबको पता है कि जनता का बैंक कौन है? कमर्शियल बैंक। एक आम आदमी आरबीआई में अपना खाता नहीं खोल सकता। हालांकि आरबीआई एक्ट 1934 एक लेजिस्लेटिव एक्ट है जिसके तहत आरबीआई फॉर्म हुआ था, ठीक है, और वो स्टैट्यूटरी बॉडी बना था जिसके अपने खुद के राइट्स एंड अथॉरिटीज़ थी, ठीक है। हालांकि वो आरबीआई एक्ट हमें प्रोहिबिट नहीं करता, हमें रोकता नहीं है कि एक आम आदमी आरबीआई में खाता नहीं खोल सकता, ऐसा कुछ भी वो प्रोहिबिशन नहीं है उस एक्ट से। लेकिन ये आरबीआई का खुद का डिसीजन है, ये आरबीआई का खुद का पॉलिसी है। जब खुद के डिसीजन की हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलिसी। ये आरबीआई की खुद की पॉलिसी है कि कोई आम आदमी आरबीआई में अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। सो एक जनरल पब्लिक का पर्सन कहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करेगा? वो कहाँ ओपन करेगा? कमर्शियल बैंक। आम जनता के बैंक को हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल बैंक बोलते हैं। ओके क्लास, अब एक बात बताओ, आपको पैसा कहाँ डिपॉजिट करवा रहे हो? कमर्शियल बैंक में। कहाँ से ज़रूरत के टाइम पर पैसा ले रहे हो? कमर्शियल बैंक से। ओके, अब मैंने अपनी एक स्टेटमेंट बोली थी कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजंस लेता है कि भाई मनी सप्लाई कम करनी है या ज़्यादा करनी है। कम करने को बोलते हैं स्ट्रिक्ट और ज़्यादा करने को बोलते हैं लिबरल। सोच के देखो, आप लिबरल कब होगे? जब आपको कोई चीज़ बढ़ानी हो, है ना, और आप स्ट्रिक्ट कब होगे? जब आपको कोई चीज़ कम करनी हो। ये डिसीजंस और ये रूल्स तो बनाएगी किसने? आरबीआई ने, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है? आरबीआई। लेकिन इकोनॉमी में पब्लिक के द्वारा चैनलाइज कौन करवाता है? कमर्शियल बैंक, ठीक है भाई। आप खुद देखिए बेटे, मेरे देश में डिफ्लेशन की स्थिति चल रही है सपोज, ठीक है, इसका मतलब लोगों की डिमांड कम है तभी प्राइसेस कम है। अब उस डिफ्लेशन को कंट्रोल कौन करेगा? आरबीआई थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। कैसे करेगा? देखो, अब मुझे पता है कि लोगों की डिमांड कम है, इट मीन्स लोगों के पास पैसे की कमी है। अगर मैं उस मनी सप्लाई को बढ़ा दूं, है ना, तो लोगों के पास पैसे जाएगा, उनकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेंगी तो प्राइसेस जो बहुत कम हो रहे थे डिफ्लेशन में वो थोड़े से कंट्रोल हो जाएंगे। ये मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करा। अब बोला, निर्देश किसने जारी करे? आरबीआई ने, ठीक है, लेकिन उनको फॉलो कौन करेगा? कमर्शियल बैंक, तभी तो इकोनॉमी में चैनलाइज हो पाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि कमर्शियल बैंक इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में आरबीआई की हेल्प करता है। इसको हम आगे जाके प्रॉपर वे में पढ़ेंगे, बट अभी मैंने जस्ट आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है, ठीक है। फैसले लेगा आरबीआई, लेकिन उनको अपनाएगा कौन? कमर्शियल बैंक, क्योंकि जनता किससे कांटेक्ट कर रही है? कमर्शियल बैंक से कांटेक्ट कर रही है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आता है इट्स फंक्शंस। अब कमर्शियल बैंक के कुछ काम हैं बेटे, मेनली दो काम हैं जो इस फ्लो चार्ट में आपको बहुत क्लियरली मेंशन है। एक, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, और सेकंड, गिविंग लोन या एडवांसिंग लोन टू द पब्लिक जिनको ज़रूरत है। अब इस पब्लिक में आपको पता है कौन कौन हो सकता है? बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स, फार्मर्स, कंज्यूमर्स एक्सेट्रा। ओके क्लास, अब जो मेनली फंक्शन है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, सेवर मतलब जो सेव करते हैं पैसा उनसे पैसे एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और उस पैसे को ज़रूरत वाली यूनिट्स को या पार्टीज़ को वो एडवांस करता है लोन के रूप में, ठीक है, और जिसका मेन मकसद क्या है? इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। आगे चलते हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ अदर फंक्शंस भी हैं जो हम अपनी 11th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसको मैं थोड़ा सा समराइज व्यू में आपके सामने लेने जा रही हूँ। ध्यान से देखिए, अदर्स
नंबर वन लॉकर सर्विसेज, जो बैंकों की यूटिलिटी सर्विस है, ठीक है, आप अपने एक्सपेंसिव आइटम्स को लॉकर में सेफली रख सकते हो, और ये लॉकर फैसिलिटी कौन देता है आपको? कमर्शियल बैंक्स। आगे नेट बैंकिंग, आप अपने अकाउंट को एक्सेस एंड ऑपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, जिसको हम बोलते हैं नेट बैंकिंग। ये फैसिलिटी भी आपको कौन देता है? कमर्शियल बैंक, जहाँ पर आपका अकाउंट होता है। नेक्स्ट ऑनलाइन ट्रांसफ़र, आप घर बैठे कहीं पर भी कहीं किसी भी पर्सन को इंडिया में कहीं पर भी पैसा भेज सकते हो, जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र, जिसमें हमने मेनली दो चीज़ पढ़ी थी, नेफ्ट एंड आरटीजीएस। नेफ्ट स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एज हम ये दोनों टॉपिक अपने 11th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं इनको डीपली यहाँ पर नहीं कवर करूँगी। ओके, अब एक और फंक्शन आता है जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है। अब आरबीआई ने ना एक मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो बैंकिंग कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए अमेंडमेंट्स करे थे, वो अमेंडमेंट्स हमारे एक स्पेशल एक्ट के अंदर आए, जिसको हमने बोला बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब ये क्यों अमेंडमेंट्स करे कि आप क्यों बैंकिंग कंपनीज को रेगुलेट करना चाहते हो? ये इसलिए करे गए ताकि डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट आप सेव कर सको, आप डिपॉजिटर्स के हित की प्रोटेक्शन कर सको, ठीक है। तो अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आरबीआई कमर्शियल बैंक के लिए मैंडेटरी करता है, अब उनमें से एक मेन फंक्शन क्या है? इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब इन्वेस्टमेंट आपको पता चल रहा होगा, ये इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? कमर्शियल बैंक्स। और ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में होती है। अब अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इट इज मैंडेटरी फॉर कमर्शियल बैंक्स टू इन्वेस्ट अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स इन दीज अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, सो दैट ये कंप्लायंस कर सके अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ SLR। SLR stands for statutory liquidity ratio. Okay class? तो उसको maintain करने के लिए it is mandatory on commercial banks to invest in the approved securities. अब ये approved securities क्या हैं? According to section 24 of Banking Regulation Act 1949 के तहत बहुत सारी approved securities हैं RBI के द्वारा, जैसे गवर्नमेंट जो भी बॉन्ड्स इशू करती है, जैसे ट्रेजरी बिल्स जिनको जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं, NSC मींस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ओके, बॉन्ड्स ऑफ हाउसिंग बोर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, शेयर्स ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स एक्सेट्रा। ये क्या है आपकी? अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हैं जिनके जिनको जिनमें इन्वेस्ट करना कमर्शियल बैंक्स के द्वारा बहुत ज़रूरी है, इट इज़ मैंडेटरी इवन, ठीक है। आई होप आपको मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक एंड इसके फंक्शन समझ आ गए होंगे। आगे हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। हाँ जी क्लास, अब हम प्रोसीड करते हैं विद द मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। थोड़ा बहुत हम ओवरव्यू सेंट्रल बैंक का ले चुके हैं, सबको पता है सबसे बड़ा बैंक हमारे बैंकिंग स्ट्रक्चर में, जो सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है, उस बैंक को एपेक्स बैंक बोलते हैं, सबको पता है। और एपेक्स बैंक को हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं, और इंडिया में वो सेंट्रल बैंक कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब हम इसके मीनिंग पर जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि RBI एक्ट बना 1934 में, जिस लेजिस्लेटिव एक्ट के अंडर ये स्टैट्यूटरी बॉडी इन द बैंकिंग स्ट्रक्चर RBI के रूप में फॉर्म हुआ, ठीक है। आगे देखो, द मीनिंग ऑफ RBI या सेंट्रल बैंक, इट इज़ एन एपेक्स बैंक विच सुपरवाइजेस, मतलब चेक रखता है,
regulates means rules and regulation बनाता है and controls control भी करता है by taking strict actions किन की activities पर controls the activities of commercial banks and other financial institutions for the objective of growth and stability in the economy ताकि बेटे ध्यान से देखो हमें पता है बैंक का मतलब पैसा पैसे से रिलेटेड ठीक है कमर्शियल बैंक भी पैसों का लेन देन करते हैं बाय और सेल ऑफ मनी करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी पैसों में डील करते हैं इट मीन्स हमारी मनी मार्केट जो है इंडिया में इकोनॉमी में उसको रेगुलेट सुपरवाइज एंड कंट्रोल कौन करता है RBI और मेनली पार्टिसिपेंट्स कौन है उस मनी मार्केट में कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसका मतलब ये हर चीज़ को रेगुलेट करता है मनी से संबंधित और वो कौन है RBI तभी ये सेंट्रल बैंक कहलाता है ठीक है अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये सब काम क्यों करता है विद ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी ग्रोथ का मतलब कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मनी आसानी से मिल जाए इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा तो GDP ग्रोथ बढ़ेगी बट अलॉन्ग विद स्टेबिलिटी एक बैलेंसिंग वे में ताकि ना इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन ठीक है उसको हम बताएंगे कैसे स्टेबिलिटी लेकर आता है विद इट्स इंस्ट्रूमेंट्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई में ओके अब इसके क्या क्या फंक्शंस हैं बेटे जो जो काम RBI करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक फंक्शन जैसा कि हमने पहले पढ़ा था मनी में कि हु आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी हमने पढ़ा था एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूसरा RBI तीसरा कमर्शियल बैंक हमने उस टाइम पर ये पढ़ा था कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मींस फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास अथॉरिटी है क्या ऑल द क्वाइंस को इशू करने की ठीक है और 1 रुपी का जो पेपर नोट है पेपर करेंसी नोट है वो भी कौन इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मींस फाइनेंस मिनिस्ट्री लेकिन बाकी के पेपर करेंसी नोट्स को इशू करने की अथॉरिटी किसके पास है इट इज लाइन विद RBI एज पर RBI एक्ट 1934 ठीक है अब जितने भी 2 रुपये या 2 रुपये से ज़्यादा के डिनोमिनेशन वाले पेपर करेंसी नोट्स हैं उनको इश्यू करने की सोल अथॉरिटी एक लोथी अथॉरिटी किसके पास है RBI के पास है ठीक है अब मैंने बताया विच सिस्टम गवर्न्स द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ द RBI कौन गवर्न करता है हमने पढ़ा था मिनिमम रिजर्व सिस्टम है ना हमने पढ़ा था मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो मतलब कम से कम इतने रुपए का रिजर्व गोल्ड के रूप में फॉरेन एक्सचेंज के रूप में RBI को रखना है एज अ बैक रिजर्व सिक्योरिटीज के रूप में तभी वो नई करेंसी को इश्यू कर सकता है ठीक है अब ये क्यों रखा जाता है सबको पता है अपने लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं सबसे पहले ये बताओ कि इसका रिजर्व कितना है 200 करोड़ का है ना जिसमें से कम मिनिमम 115 रुपीज करोड़ का आपको क्या रखना है गोल्ड के रूप में रिजर्व रखना है एंड रेस्ट आपको फॉरेन सिक्योरिटीज के रूप में ये 200 करोड़ तो मिनिमम है जिसके अगेंस्ट आप कितने भी अमाउंट की करेंसी इश्यू कर सकते हो लेकिन बेटे RBI पागल नहीं है कि वो कितनी भी करेंसी को इशू करेगा क्यों क्योंकि उसका मकसद तो स्टेबिलिटी लाना है इकोनॉमी में वो बहुत ही बैलेंस वे में डिसीजन लेगा कि कितने अमाउंट की करेंसी इशू करूं कितने अमाउंट की करेंसी इशू नहीं करूं ठीक है अपने इकोनॉमी के हित के लिए काम करेगा इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी के लेवल में ही काम करेगा सो ये क्या है नॉट इशूइंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री जिसको करेंसी फंक्शन ऑफ RBI भी बोला जाता है जिसको कौन गवर्न करता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम ताकि लोगों का विश्वास बैंकिंग सिस्टम पर बना रहे आगे आता है सेकेंड में मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ RBI इज
बैंकर टू द गवर्नमेंट. मैंने पहले बोला जैसे कमर्शियल बैंक के रिलेशनशिप आम आदमी के साथ हैं, जनरल पब्लिक के साथ हैं, वैसे ही आरबीआई के रिलेशनशिप गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ हैं. ठीक है, जैसे एक आम आदमी कमर्शियल बैंक में बैंक ओपन करा सकता है, लोन के लिए अप्लाई कर सकता है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ ले सकता है, ऐसे ही गवर्नमेंट को ये सारी फैसिलिटीज़ कौन देता है? आरबीआई. इसलिए आरबीआई को बैंकर टू दी गवर्नमेंट भी बोला जाता है. अब बैंकर टू दी गवर्नमेंट में तीन मेन फंक्शन आते हैं आरबीआई जो गवर्नमेंट के लिए करता है. नंबर वन, एज अ बैंकर. नंबर टू, एज एन एडवाइजर. नंबर थ्री, एज एन एजेंट. बहुत इजी हैं, अगर हम ध्यान से कॉमन सेंस से सोचेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी. गवर्नमेंट का बैंक कौन है? आरबीआई. मेनली बैंक का काम क्या होता है? एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी टू द गवर्नमेंट. ये काम गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो कौन करता है? आरबीआई. ठीक है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट का बैंक कौन है? आरबीआई. गवर्नमेंट को जब भी इमरजेंसी सिचुएशन में पैसे की ज़रूरत होती है, ये किसके दरवाजे को नॉक करते हैं? ये आरबीआई के दरवाजे को नॉक करते हैं, अपनी सिक्योरिटीज़ को देते हैं और उनके अगेंस्ट लोन ले लेते हैं फ्रॉम दी आरबीआई. ठीक है, अब कैसे आरबीआई एडवाइज़र है टू दी गवर्नमेंट? अब गवर्नमेंट को तो इकॉनमी देखनी है. ठीक है, और इकॉनमी में पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है जो इकॉनमी को किसी भी लेवल पर लेकर जा सकता है, डाउनफॉल पे भी और अपवर्ड भी. ठीक है, अब इस मनी से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए गवर्नमेंट को किसके एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है? सरकार को आरबीआई के एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, ताकि वो अच्छे से अपनी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट कर सके. ओके, तो आरबीआई एडवाइजर भी है किसका? गवर्नमेंट का. अब आरबीआई एजेंट भी है सरकार का. कैसे? जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे मैंने बोला NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स. ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स जिनको हम जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं, ये सरकार तो आकर नहीं बेचेगी, है ना? सरकार किसको इसके सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है? आरबीआई को. अब आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदता और बेचता है. सो वो गवर्नमेंट का क्या हो गया? एजेंट हो गया. क्योंकि एजेंट क्यों हो गया? क्योंकि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद रहा और बेच रहा है. ठीक है, सो ये तीनों फंक्शन के बेसिस पर हम क्या बोलते हैं? आरबीआई इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट. ठीक है, थर्ड मेन फंक्शन क्या है? थर्ड मेन फंक्शन है बैंकर्स बैंक. यहाँ पर बैंक कौन? कमर्शियल बैंक्स. ठीक है, एंड सुपरवाइजरी रोल. मतलब सुपरवाइज मतलब आपको ऑब्जर्वेशन में कौन रखता है? आरबीआई किनको? कमर्शियल बैंक्स को. अब जैसे बेटे मैंने साफ साफ बोल रही हूँ कि जैसे जनरल पब्लिक का बैंक कौन है? कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक का बैंक कौन है? आरबीआई. ऐसे ही कमर्शियल बैंक अपना अकाउंट कहाँ ओपन करवाता है? आरबीआई के पास. एंड दो इट इज़ मैंडेटरी. ठीक है, और अगर कमर्शियल बैंक को कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो कहाँ से लोन लेता है? फ्रॉम आरबीआई. ठीक है, ये तो हो गया बैंकर्स बैंक. इसके साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कमर्शियल बैंक की स्मूथ फंक्शनिंग के होती रहे, उसमें कौन हेल्प करता है? आरबीआई. जैसे क्लियरिंग हाउस फंक्शन, हालांकि एक अलग से भी फंक्शन है लेकिन हम इसको बैंकर्स बैंक में भी लिख सकते हैं. अब क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन है भाई, सब बैंकों के अकाउंट्स किसके पास हैं? आरबीआई के पास. अगर दो बैंकों को अपने अकाउंट्स की सेटलमेंट करनी है, मतलब किसी को देना है, इसको भी देना है उसको, ठीक है, तो इसको कम ट्रांजैक्शन में बाय अवॉइडिंग द कैश ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट्स को सेटल कौन करता है? आरबीआई. ये फैसिलिटी को बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, जिसको मैं एग्जांपल के रूप में इस पॉइंट पर समझाऊंगी. ठीक है, तो
अब ये तो हो गया बैंकर्स बैंक, ठीक है। आगे सुपरवाइजरी रूल कैसे करता है आरबीआई अपॉन कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई टाइम टू टाइम ना डायरेक्टिव्स इश्यू करता है। ये डायरेक्टिव्स किस हु आर ऑब्लाइज टू कंपाइल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टिव्स गिवन बाय आरबीआई। कौन? कमर्शियल बैंक्स, जैसे CRR कैश रिजर्व रेशो, SLR स्टैटटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। ये टाइम टू टाइम इन रेशो की परसेंटेज आरबीआई चेंज करता है इन ऑर्डर टू मॉनिटर मनी सप्लाई, इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अब बच्चों को क्वेश्चन रेज हो रहा होगा, मैम CRR क्या है, SLR क्या है, ठीक है। CRR क्या है बेटे, ध्यान से सुनो। अब आपको ये तो पता चल गया, दीज आर मैंडेटरी टू बी मेंटेन्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, है ना। और ये मैंडेटरी कौन करवाता है, ये ऑर्डर कौन दे रहा है, आरबीआई दे रहा है। ये रूल कौन बना रहा है, आरबीआई बना रहा है, ताकि कंट्रोल कर सके मनी की सप्लाई इकोनॉमी में। अब मैं पॉइंट पर आ रही हूँ, CRR क्या है। CRR स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। CRR का मतलब क्या है, ये मिनिमम परसेंटेज है, ये मिनिमम परसेंटेज है जो आरबीआई स्टिपुलेट करता है ऑन कमर्शियल बैंक्स। एक मिनिमम परसेंटेज टोटल डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक का, जो कैश के रूप में कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ठीक है, क्लियर हुआ। ताकि अब क्यों रखना पड़ता है, ताकि इकोनॉमी में लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सके, ठीक है। मैं दोबारा बता रही हूँ CRR क्या है। CRR कौन डिसाइड करता है, आरबीआई, और चेंज भी कौन करता है, आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम, जब रिक्वायरमेंट होती है इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और CRR स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशो। अब ये मिनिमम परसेंटेज होती है बैंकों के, कमर्शियल बैंक्स के टोटल डिपॉजिट्स का, जो कमर्शियल बैंक्स को कैश के रूप में आरबीआई के पास जमा करवाने पड़ते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, ठीक है। और ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है एज पर लेजिस्लेटिव प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट, ठीक है। अब ये मैंडेटरी है, तभी हम CRR को लीगल रिजर्व रेशो भी बोलते हैं, क्लियर हुआ। अगर मुझे इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम करनी है तो मैं इनका रिजर्व बढ़वा दूंगी, अगर मुझे मनी की सप्लाई बढ़ानी है तो मैं रिजर्व घटा दूंगी। जैसे टेक द सिंपल एग्जांपल, मम्मी पापा ने मुझे 100 रुपये पॉकेट मनी के दिए, मम्मी ने बोला 50 रुपये सेव करो, रिजर्व करवा दिए, आप खर्च कितना कर सकते हो, 50। अगर मम्मी को स्ट्रिक्ट रहना है, मम्मी यहाँ पे आरबीआई को ट्रीट कर लो, ठीक है। अगर आपको मम्मी कह रही है आप स्ट्रिक्ट होना है और खर्चा नहीं करना, अब सेम एग्जांपल पापा ने अगेन 100 रुपये दिए, मम्मी ने सोचा बहुत खर्चा हो रहा है, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, मतलब कम खर्चा होना चाहिए, तो मम्मी ने क्या करा, पहले रिजर्व 50 रुपये का रखवाया, अब मम्मी ने बोला भाई अब 70 रुपये का रिजर्व रखवाओ, 70 रुपीज का रिजर्व रखवाओ, अब आपके पास तो पैसा कम रह गया खर्च करने को, खर्चे कम हुए डिमांड कम होगी, डिमांड कम होएगी तो प्राइजेस कम होंगे, प्राइजेस कम होंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। जैसे मम्मी ने बच्चों के ऊपर स्ट्रिक्टनेस बरती, ऐसे कमर्शियल बैंक पे कौन स्ट्रिक्टनेस, कौन कंट्रोल कर सकता है, आरबीआई कंट्रोल कर सकता है। ये तो CRR की बात, ठीक है। अब आता है SLR। SLR स्टैंड्स फॉर स्टैटटरी लिक्विडिटी रेशो। फर्क क्या है, CRR कैश के रूप में रखना पड़ता है आरबीआई के पास बाय द कमर्शियल बैंक्स, बट SLR क्या है, लिक्विड असेट्स के रूप में कमर्शियल बैंक्स को एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स अपने पास रखने पड़ते हैं। समझ आया, SLR मिनिमम परसेंटेज ऑफ कमर्शियल बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट्स आर टू बी मेंटेन्ड विद themselves, नॉट विद RBI, ठीक है। अब ये लिक्विड असेट्स में आपकी
आपका कैश हो सकता है, आपका गोल्ड हो सकता है जो लिक्विड असेट्स है, ठीक है, या लाइक जिनको लिक्विड करना बहुत इजी है, नियर बाय लिक्विड है, और अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज, मतलब अप्रूव्ड सिक्योरिटीज जो जिनके ऊपर कोई भी क्लेम ना हो, जिनके ऊपर कोई भी ड्यूज ना हो, उनको बोलते हैं अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज, ठीक है। अगर मैं इन तीनों का रिजर्व अपने डिपॉजिट्स के बेसिस पर मिनिमम परसेंटेज के रूप में रखती तो वो होती है SLR। इट मींस आपके हाथ बंध रहे हैं इस रेशोज से, आप पूरा पैसा लोन के रूप में नहीं दे सकते, आपको कुछ पैसा रिजर्व के रूप में रोकना पड़ेगा, एक अपने पास और एक RBI के पास। तो आपको कंट्रोल कर रहे हैं ना RBI इन रेशोज के थ्रू, तो ये रेशो डायरेक्शन के रूप में कौन बताता है? RBI। आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्या आप प्रॉपर कंपाइलेंस दे रहे हो टू द डायरेक्टिव्स ऑफ RBI, ये आपको निगरानी में कौन रखता है? RBI। सो ये थर्ड फंक्शन है RBI का, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। आई होप सबको क्लियर हो गया हो। आगे आता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अब इसको मैं सिंपल सी एक बात कहूंगी, डूबते को तिनके का सहारा। जैसे एक आम आदमी के लिए भी कभी कभार इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें बहुत ज़रूरत होती है पैसों की, सेम हैपन्स विद कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो। अब आपको पता है फ्यूचर इज टोटली अनसर्टेन, है ना। अब हमें कभी भी बींग अ कमर्शियल बैंक पैसों की इमरजेंसी हो जाती है तो कमर्शियल बैंक किसके पास जाएगा, किसका डोर नॉक करेगा? RBI का डोर नॉक करेगा, और वो RBI से कहेगा कि मुझे हेल्प कर दो, मुझे और कहीं से फंडिंग नहीं मिल रही, आप मुझे हेल्प कर दो। और RBI हेल्प करता है, क्यों करता है? क्योंकि भाई उस बैंक में देश के बहुत सारे नागरिकों का पैसा है, पब्लिक का पैसा है। अगर वो बैंक डूब गया तो कल को पब्लिक, जनरल पब्लिक का फेथ बैंकिंग सिस्टम पे से ख़त्म हो जाएगा, मतलब डिट्रॉयट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस फेथ को मेंटेन करने के लिए एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ फंड की डिमांड कौन पूरी करता है कमर्शियल बैंक्स को इमरजेंसी सिचुएशन में? RBI। तो ये बट अगेंस्ट सिक्योरिटीज, अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, ठीक है। सो इमरजेंसी सिचुएशन में कमर्शियल बैंक्स को कौन पैसा अवेलेबल करवाता है, कौन फंड्स देता है, कौन लोन देता है? RBI। और इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, ताकि जनरल पब्लिक का विश्वास बैंकिंग सिस्टम पर कायम रहे और मनी मार्केट स्टेबल रहे। जिस तरीके से चल रही है उसमें कोई भी मतलब लाइक ऑब्लिक लाइक कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आगे चलते हैं फिफ्थ पॉइंट, दैट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बेटे जितने भी जो भी फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट्स होती हैं और रिसीट्स होती हैं, ये सिर्फ RBI के थ्रू होती हैं। RBI के पास अथॉरिटी है सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज में डील करने की। बाकी हम जितने भी अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी में चेंज कराते हैं, हमारे बैंक सिर्फ वही कर सकते हैं जिनको अप्रूवल मिला हुआ है। सारे बैंक्स आपको फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल नहीं करवाते हैं, और ये परमिट कौन करता है? RBI। इन शॉर्ट मैं ये कह सकती हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज में जितनी भी डील होती हैं वो डीलिंग किसके थ्रू होती हैं? RBI के थ्रू होती हैं। और इसी फंक्शन के थ्रू RBI हेल्प करता है अपनी करेंसी की एक्सचेंज रेट को स्टेबल बनाने में, जिसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट फंक्शन इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन मैंने पहले भी बता दिया था, क्लियरिंग हाउस फंक्शन एक चेक क्लियरिंग फैसिलिटी होती है एट द सेंटर फॉर ऑल द बैंक्स। अब ये एट द सेंटर फॉर ऑल द बैंक्स कैसे है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको मैंने सीधा बोला, इट इज अ चेक क्लियरिंग फैसिलिटी एट अ सेंटर फॉर ऑल बैंक्स।
एट द सेंटर मतलब एक ही जगह पर, और वो जगह कौन है? आरबीआई। जितने भी बैंकों के अकाउंट्स हैं वो किसके पास हैं? आरबीआई के पास हैं। ठीक है, अब सपोज मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, दो बैंक हैं एक्स एंड वाई, इन दोनों के अकाउंट्स कहाँ होंगे? सेंट्रल बैंक के पास होंगे। अब एक्स रिसीव्स अ चेक ऑफ रुपीज 10,000 ड्रॉन ऑन वाई। ठीक है, क्योंकि बैंकों की आपस में भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। सेम वाई को भी मिला होगा। वाई रिसीव्स अ चेक ऑफ रुपीज 12,000 विच इज ड्रॉन ऑन एक्स। ठीक है, अब एक्स को वाई से मिला, वाई को एक्स से चेक मिला, अब इन दोनों के अकाउंट कहाँ है? आरबीआई के पास। अभी जो कैश ट्रांजैक्शन है इसको अवॉइड करने के लिए आरबीआई क्लियरिंग हाउस फंक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टू द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, बाय मिनिमम ट्रांजेक्शन, कम से कम ट्रांजेक्शन्स को करते हुए आरबीआई इन दोनों बैंकों की ट्रांजेक्शन्स को सेटल कर देगा। क्लियर हुआ? इनको कैश के ट्रांजेक्शन्स करने की जरूरत नहीं है, आरबीआई ऑटोमेटिकली इन दोनों बैंकों के अकाउंट्स को विद द मिनिमम ट्रांजेक्शन सेटल कर देगा। फॉर एग्जाम्पल भाई 10,000 मिलने थे एक्स को वाई से और वाई को 12,000 मिलने थे एक्स से, तो सिर्फ क्या करेगा, एक्स के अकाउंट से 2,000 रुपए वाई के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। क्लियर हुआ? इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ये कमर्शियल बैंक को फैसिलिटी देता है। कौन देता है? आरबीआई देता है। ठीक है, अब आगे चलो, नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। अब मॉनेटरी जितने भी डिसीजंस हैं मनी के रिगार्डिंग, मनी की सप्लाई के रिगार्डिंग, उन डिसीजंस को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इसको फॉर्मुलेट कौन करता है? आरबीआई। अभी जितने भी डिसीजंस अंडर मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लेता है ताकि देश में स्टेबिलिटी रहे, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लूं और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर लूं, इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। सपोज मेरे देश में इस टाइम पर इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्ट्रिक्ट हो जाऊंगी, मैं यहाँ पर मनी की सप्लाई को कम कर दूंगी। कौन मैं? कौन? आरबीआई। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया मम्मी ने और पैसा रुकवा लिया रिजर्व के रूप में, और यहाँ पे बैंकों की मम्मी कौन है? आरबीआई है। आई एम जस्ट जोकिंग इन ऑर्डर टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। ओके, सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आरबीआई क्या कर देगी? सीआरआर को बढ़ा देगी ताकि कमर्शियल बैंक्स के पास लोन देने के लिए अमाउंट क्या रह जाए? कम। अब लोन देने के लिए अमाउंट कम तो लोन कम जाएगा, लोन कम जाएगा तो लोगों के पास मनी की सप्लाई कम होगी, उनकी डिमांड कम होगी। जब एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में कम होगी तो प्राइसेस भी कंट्रोल हो जाएंगे, जो बढ़े हुए प्राइस थे विद अनड्यूली डिमांड वो कंट्रोल हो जाएंगे। और ये किसने डिसीजन लिया? आरबीआई ने लिया। ठीक है, ये तो वन ऑफ द टूल है, मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उनके कौन कौन से मेथड्स हैं जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब सपोज मेरे देश में डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन का मतलब प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, है ना। अब प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन एनकरेज नहीं होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, क्या होंगे? डिस्करेज होंगे। अब डिस्करेज होंगे, इन्वेस्टमेंट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगी इनकम कम होगी, फिर से एग्रीगेट डिमांड कम होगी क्योंकि इनकम ही कम है, एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो प्राइसेस एकदम से डाउनफॉल पे आएंगे। ये स्थिति अच्छी बात नहीं है, ठीक है, और इस स्थिति को हम लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप भी बोलते हैं। ठीक है,
अब क्या होगा, इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए भी लोगों के पास पैसा नहीं है, है ना। अब मनी की सप्लाई को क्या कर दूंगी, बढ़ा दूंगी, कौन, आरबीआई। इसका मतलब यहाँ पर आरबीआई ऐसे डिसीजन लेगा जिससे मनी की सप्लाई को बढ़ाया जा सके। अब आरबीआई क्या हो जाएगा, लिबरल हो जाएगा, जैसे सीआरआर को लिबरल कर देगा, कम कर देगा कि दो ज़्यादा अमाउंट में लोन दो ताकि लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़े, लोगों की डिमांड बढ़े और प्राइजेस जो बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं वो थोड़े से अपलिफ्ट हों और एक कंट्रोल में आ जाए ताकि हम डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सके। इसी रूप में आरबीआई क्या करता है, क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है बाय टेकिंग करेक्टिव मेजर्स इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ डिसीजंस। ओके क्लास, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ हो। थैंक यू।